सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। आज का पंचांग 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:33 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र शाम 4:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मेष राशि 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार, आपके निजी और कामकाजी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं जिससे आप असुरक्षित और चिंतित महसूस करेंगे, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें और संतुलन बनाए रखें। कोई आपसे बदला लेने की कोशिश में है, इससे स्थिति और भी गहरा हो सकती है। आज कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आएगा। आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने और अपने कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने में मदद करेगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन की योजना भी बनेगी। दिन भर भागा दौड़ी रहेगी लेकिन आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होने की वजह से छोटी मोटी बातों से आप हार नहीं मानेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ हुए संवाद की वजह से आपके मूड में बदलाव नजर आ सकता है। दूसरे के द्वारा बोली गई बातों का असर खुद पर ना होने दें, नहीं खुद को अपने मंजिल से भटकने दें। काम से संबंधित बातों की सूची बनाकर काम करने की आवश्यकता होगी वरना महत्वपूर्ण काम छूट सकता है। आपकी जान पहचान का कोई व्यक्ति आपके अधिक करीब आने की कोशिश करेगा, यदि आपको रुचि नहीं है तो इस रिलेशनशिप को बढ़ावा ना दें। शरीर के वजन से संबंधित बातों की वजह से चिंता महसूस हो सकती है। सावधानियां, इस समय किसी भी प्रकार के निवेश को फिलहाल टाल दें। अगर संपत्ति संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो ध्यान रखें कि भाइयों के साथ संबंध खराब ना हो। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में मेहमानों के आगमन से वातावरण और अधिक खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां रहेगी। आज आप अपने प्यार के लिए अपने मन को टटोल कर देखेंगे। पहले आपके प्यार और रिश्तों में बचपना दिखाई देता था, परंतु अब प्रेम और रिश्तों में आपका दृष्टिकोण कहीं अधिक समझदार और परिपक्व हो गया है। अब आप में स्पष्ट रूप से यह विचार विद्यमान होगा कि आप इस रिश्ते और अपने साथी से क्या चाहते हैं और बदले में आप उसे कितना दे सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज के दिन जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के अच्छे अवसर एवं पदोन्नति मिल सकती है। अगर आपने सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको शुभ संदेश मिल सकता है। यह समय किसी दूसरी नौकरी जैसे कि प्रशासनिक कार्यों के आवेदन के लिए भी अच्छा है, अगर आप अपने वर्तमान नौकरी से खुश नहीं है तो। कार्य क्षेत्र में बदलाव संबंधी जो योजनाएं बन रही हैं, अभी उन पर अमल करने का भी उचित समय नहीं है। पैसों के लेन देन संबंधित कामों में बेहतरीन सफलता मिलेगी, परंतु ऑफिस में किसी सहयोगी की वजह से आपकी मानहानि भी संभव है। बात करते हैं सेहत की। आपके कार्य स्थल पर बढ़ते रहे तनाव से आपको
स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जैसे माइग्रेन, चिंता से दर्द और हाइपरटेंशन जैसी तकलीफें हो सकती है। इन सब से बचने के लिए आपको अपनी दिन की शुरुआत ध्यान, सांस की एक्सरसाइज और अन्य रिलैक्स करने वाली तकनीकों से करनी चाहिए। खूब सारा पानी पिए और जंक फूड से दूर रहें, क्योंकि ये केवल आपके तनाव को बढ़ाएंगे। आज का उपाय, आज आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।